हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज साहब की ऐसी दया और कृपा है कि हम दूर दूर से उनके दरबार में उपस्थित हुए हैं। लेकिन आवश्यकता ये है कि एक तो अपने हृदय को खोल ले और मस्तिष्क में वो थोड़ा खुला रखें, जिससे कि गुरु महाराज साहब का जो संदेश है वह स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचे और आप हृदय गम्य हो जाए। यदि हम लिखी हुई स्लेट पर ही लिखते रहेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और यहां का आना उतना सार्थक नहीं होगा जिसके लिए आप दूर दूर से यहां पर आए हैं। और दूसरी बात, जैसा कि गुरु महाराज साहब कहते हैं कि बारिश हो रही हो और हम छतरी लगाकर भीगी नहीं पड़े हुए, इसलिए आवश्यकता यही है कि अपने आप को मुक्त भाव से गुरु महाराज साहब के दरबार में उपस्थित हो। गुरु महाराज साहब की उपस्थिति है और हम सब का भाग्य उदय हुआ है तब हम यहां तक पहुंचे हैं। उपनिषद का एक कथन है जो कि विवेकानंद जी को बहुत प्रिय था, उठो जागो और अपना उद्देश्य की प्राप्ति करो। उठो यानी कि हम प्रमाद में सोए हुए हैं, आलस्य में पड़े हुए हैं, समझ ही नहीं रहे, इसलिए आवश्यकता क्या है कि हम उस ओर बढ़े जहां पर कि संत और महात्माओं के कदम पड़े हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा है, उन्होंने जो संदेश दिया है, उस संदेश को हम पढ़ें और समझें। इसलिए उठिए, जागो, क्योंकि हम जागे हैं ही नहीं, हम सोए हुए हैं, और इसलिए आवश्यकता क्या है, अपने मन मस्तिष्क को खोल कर रखें और अपना ध्येय, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमको तय करना पड़ेगा कि हम इस संसार में क्यों आए और हमारा उद्देश्य क्या था, उस परमात्मा ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा। तो हम जब तक हमारा कोई उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो जीवन जो है वह निरर्थक हो जाता है। इसीलिए लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। हम उसके ही अंश हैं और उस अंश उस परमात्मा से मिलना चाहता है और उसमें हमारे जो विचार हैं वे ही बाधक हो जाते हैं। जैसे कि बारिश होती है, एक बूंद बूंद करके पानी, और वह फिर नदी नालों से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाता है और फिर वही चक्र उसका चलता रहता है। ऐसे ही हमारा भी जीवन है, लेकिन कुछ जल जो गड्ढों में तालाबों में भर जाता है वह किसी काम का नहीं होता, सड़ जाता है वहीं पर। इसलिए आवश्यकता यही है कि हम किसी ऐसे संत के दरबार में पहुंचे और अपने आप को जान पाए कि हम हैं क्या और हमारा उद्देश्य क्या था। इसीलिए किसी न किसी ऐसे संत के दरबार में जाना आवश्यक होता है और उनके समक्ष अपना समर्पण करना आवश्यक होता है। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने कहा कि जो साधक है वह जब उस दरबार में आता है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। अपने संस्मरणों में उन्होंने लिखा है कि गुरु जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं और यह है, वह जो साधक है उसके भाग्य पर है कि उसको कैसे गुरु मिल जाए, कैसे संतों की शरण में वह पहुंचता है। पहले गुरु वो होते हैं जो साधक को पहले ही दिन जो कुछ बताना होता है बता देते हैं, समझा देते हैं और उसको इस संसार में छोड़ देते हैं कि अब अपना कार्य स्वतः ही करें। दूसरे प्रकार के गुरु वे होते हैं जो तो साधक को बताते भी हैं और समय समय पर रास्ता भी दिखाते रहते हैं, जब उसकी अड़चने आती हैं तो वह उसको रास्ता दिखाते हैं। तीसरे प्रकार के गुरु वे होते हैं
यह जो पहले ही दिन उसको पूर्ण कर देते हैं, जैसे कि हमारे गुरु महाराज साहब को दादा गुरु महाराज साहब ने पहली ही बैठक में पहली ही बार में बहुत सब दर्शन करा दिया, जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ जब समय समय पर जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को भी दूर करते रहते हैं, और जहां पर वह साधक अटक जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे, तो वह स्वतः ही वो स्वयं आते हैं और उसको उस बाधा को पार करा देते हैं और न जाने कहां उसकी जो स्थिति होती है वहां पहुंचा देते हैं। हमारे गुरु महाराज साहब इसी श्रेणी के संत थे, महात्मा थे, ईश्वर थे, कि जब भी हमें कोई बाधा आध्यात्मिक क्षेत्र में आई तो उन्होंने उस बाधा को दूर किया और हमारा जो मार्ग है वह प्रशस्त कर दिया। तो ऐसे ही संतों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हम सब इस दरबार में उपस्थित होते हैं, हाजिर होते हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है कि हम पुत्र हैं, वो पिता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे मार्ग से भटक जाते हैं, उनसे दूर होते चले जाते हैं और हम पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए जीवन में ऐसा क्या करें, क्या ऐसा हो कि हम उस समृद्धि को प्राप्त करें, जो आध्यात्मिक समृद्धि है उसको हम प्राप्त करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीन गुण हमेशा रहते हैं, सत्गुण भी होते हैं, रजोगुण भी होते हैं और तमोगुण भी होते हैं। जो सत्गुणी व्यक्ति होते हैं उनको आवश्यकता होती है कि वह जो सत्गुण है उनके अंदर वह हमेशा बने रहे, उनमें किसी प्रकार की उनका पतन ना हो, उनकी कमी ना हो। इसीलिए आवश्यक क्या होता है कि वह ऐसे कार्य करते हैं कि वह सत्गुण जीवन भर बना रहे, और जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है या तमोगुण की प्रधानता होती है उनका प्रयास यह होता है कि हम भी सत्गुण की ओर जाएं, ऐसा प्रयास करें, ऐसे कार्य करें कि हम भी सत्गुणी बन जाएं। हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, प्रधान होते हैं, लेकिन उसमें सत्गुण प्रधान होता है, किसी में रजोगुण प्रधान होता है और किसी में सत्गुण प्रधान होता है। तो आवश्यकता यही होती है कि हम सब तो सत्गुण की ओर बढ़ें। तो इसीलिए एक प्रसंग है जो कि श्रीमद् भागवत में आया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जब भगवान कृष्ण का समय आया और जो यदुवंशी थे उनकी स्थिति थोड़ी सी रजोगुणी और तमोगुणी हो गई, तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था कि प्रभु आपका समय है, ऐसा कुछ रास्ता बताइए कि हमारी जो रजोगुणी और तमोगुणी जो वृत्तियां हैं वो बढ़ रही हैं संसार में, और हम भी जैसे पहले थे कि हम सत्गुणी थे और सत्गुण धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए। उद्धव का जो प्रश्न है वह हम सबका प्रश्न है। उद्धव हम सब के प्रतिनिधि हैं जो कि उन संत से, उस परमात्मा से ये प्रश्न कर रहे हैं हमारी ओर से ही कि क्या किया जाए ऐसा कि आज भी आप संसार में देखिए कि रजोगुण और तमोगुण ही प्रधान हो गया है, सत्गुण की धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को यही उत्तर दिया, समझाया कि क्या करना चाहिए जीवन में। बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े पूर्ण महत्व की है, और यही बात हमारे गुरु महाराज साहब ने हम सब के सामने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से हम सब के सामने रखी है। यही वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं देखिए उद्धव बात छोटी है लेकिन बड़े महत्व की है, क्या करें उसके लिए। तो अब भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव यह संदेश केवल तुम्हारे नहीं लिए नहीं है कि हम और तुम ही केवल वार्ता कर रहे हैं, बल्कि ये समस्त जो जाति है
जो संसार है, जो व्यक्ति इस संसार में आया है, उस सब के लिए ये संदेश है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि हम अपने जो साहित्य है, हमारे जो शास्त्र है, जो महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, उनका अध्ययन व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, ऐसे साहित्य को देखते हैं जिससे कि रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है जीवन में, उनसे बचना चाहिए। अच्छा साहित्य, कथा, भागवत, इसको ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। और साहित्य कैसा हो जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हम ऐसे बने जिसको अपने जीवन में उतार सकें और उन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में देखें। या देखें कार्यों का, रामायण को यदि आप पढ़ें तो आपको स्थान स्थान पर कि पुरुष ऐसा होना चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, उस सब का आप देखेंगे मर्यादा को रखा गया है। तो हमारे अंदर भी अच्छा साहित्य पढ़कर ही ये सब जागृति होती है, हम भी वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। तो यही बात उन्होंने रखी कि देखिए अच्छा साहित्य पढ़ें। जैसा कि हमारा रामाश्रम का जो साहित्य है, आप उसे देखें कि महापुरुषों के द्वारा उत्तम से उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, हमारा जीवन उत्तम कैसे बन सकता है, सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता है, हम जीवन को कैसे जिए। ऐसे ही यहां इस संसार में आए, इसको भोगा और चले गए, फिर तो यही होगा, आवागमन बना ही रहेगा, आएंगे फिर मृत्यु होगी, फिर चले जाएंगे, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, हमेशा बंधनों में ही जकड़े रहेंगे। इसलिए आवश्यकता यही होती है कि हम ऐसा साहित्य पढ़ें। ऐसे साहित्य को पढ़ने से हमारे अंदर जहां कमी कहीं कोई कमी होती है, वह कमी हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो पहली बात भगवान कृष्ण ने यही कही कि अच्छा साहित्य पढ़ें। दूसरी बात उन्होंने कही कि और क्या करें। सबसे बड़ी बात जो जीवन में होती है कि हम अच्छे लोगों का संग करें। जैसा आप जिसके साथ रहेंगे वैसे ही वो आपके अंदर भी आते चले जाएंगे। हम बच्चों, अपने बच्चों को तो समझाते हैं कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं, वह बच्चा अच्छा नहीं है, वो उसके अंदर ये कमियां हैं, वह ऐसा काम करता है, हम तो उससे बचना चाहिए। बच्चों को तो हम खूब समझाते हैं, लेकिन क्या अपने जीवन के बारे में भी देखा कभी कि हमने कैसा साथ किया और आज भी हम कैसे लोगों का साथ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे के साथ रहेंगे, अगर गुणवान है तो गुण आएंगे, अवगुण है किसी के अंदर और उसका आप साथ करते हैं तो आपके अंदर भी वही अवगुण आते चले जाएंगे। तो यही सब बात बहुत छोटी सी है लेकिन बड़े पते की है। इसीलिए अधिक से अधिक समय किसके साथ व्यतीत करें, अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करेंगे तो वह जो अच्छा व्यक्ति वह होता है जो खुद अच्छा होता है और दूसरे को भी सद्मार्ग दिखाता है। अगर हम तो वह गलत मार्ग बताता है, गलत रास्ता दिखाता है, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति दिखावा कर रहा है, वह सत्गुणी नहीं है बल्कि वह तमोगुणी है। अच्छा व्यक्ति वही है खुद अच्छे रास्ते पर ना चले और दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाए, तो वह व्यक्ति कभी भी शुद्ध पुरुष, गुणवान पुरुष तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ जीवन में करना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति साथ में है दिखाई दे तो उससे हमेशा दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपको ना पता हो कि वह ऐसा है लेकिन साथ मिल गया, लेकिन जब पता चले तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेनी चाहिए, यही सही होता है। दूसरी बात एक और जो भगवान कृष्ण ने कही कि भाई सबसे कुछ एक बात और जो हम सब के लिए आवश्यक होती है जिससे कि सत्वगुणों की वृद्धि होती है, और वह होता है कि आप कैसे स्थानों पर जाते हो। क्योंकि इस संसार में स्थानों की कोई कमी नहीं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जहां हमारा पतन होता है उन स्थानों से हमेशा बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कहां जाएं? भगवान कृष्ण कहते हैं
देखो मंदिरों में जाना चाहिए, या कथा भागवत हो रही हो वहां जाना चाहिए, अच्छे आश्रमों में जाना चाहिए, अच्छे संतों के जो आश्रम होते हैं वहां पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या करना चाहिए, वहां जाना चाहिए जहां सत्संग हो रहा हो, जहां सत्संग हो रहा हो उस स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां संत विराजते हैं। और जिन स्थानों पर संत विराज जाते हैं वहां पर स्वर्ग अपने आप ही उतर आता है, वहां पर जो पवित्र नदियां हैं वह स्वयं आ जाती है, वहां परमात्मा का वास होता है। ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। और वहां पहुंचते ही अगर कोई रजोगुणी और तमोगुणी भी है तो वह भी सतगुणी हो जाता है। और इस सत्संग की महिमा को कितना कहा जाए उसके लिए शब्द ही नहीं है। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का समाधान इस सत्संग में आने से ही हो जाता है। मन की जो मलिनता है वह समाप्त हो जाती है, आपके जो आवरण हैं वह समाप्त हो जाते हैं, उतर जाते हैं, और व्यक्ति जो है वह परमात्मा ही हो जाता है। और जैसा कि आपने गरुड़ और कामर सिंह जी का जो प्रसंग है वह सभी जानते हैं, सुनाई होगा कि इसीलिए ये नहीं कहा भगवान शिव ने कि एक मीटिंग ही करके आना, दो मीटिंग ही करके आना, कि एक लंबे समय तक आपको काक भूषण जी का सत्संग करना है। ये नहीं कि केवल हम एक मीटिंग दो मीटिंग, बल्कि अपने जीवन में उतार लें। लंबे समय का अर्थ यही था वहां कि हम अपने जीवन में उतार लें, हर समय उसी मस्ती में उसी धुन में रहें कि हम गुरु महाराज साहब के दरबार में बैठे हुए हैं। और तब जाकर जो गरुण जी थे उनकी जो शंका थी उसका समाधान तो उस जो उनका आश्रम था उस आश्रम में प्रवेश करने से पहले ही हो गया था। लेकिन जब तक लंबे समय तक नहीं उस दरबार में रहेंगे तब तक पूरी तरह से आप गुरु में नहीं हो पाते हैं, सत्संग में नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये बात गरुण जी के माध्यम से काम मुस्लिम जी ने हम सबके लिए कही। और यही बात भगवान कृष्ण ने कही कि भाई देखो थोड़े समय में कुछ नहीं होता है, प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन स्थायी तो कभी आता है जीवन में। और इसीलिए उन्होंने कहा स्थानों का जीवन में बहुत महत्व है, अच्छे स्थानों पर जाएं और अपने अंदर वह जो अवगुण आ गए हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। एक और बात उन्होंने कही कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं, जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा जीवन आप सब जानते हैं ये संसार है, इस संसार में हम कुछ ऐसे भी कार्य हो जाते हैं जो कि करने योग्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। माया ऐसी है कि हम जैसे कि साइंस सुन रहे थे कि हमारे पांच ऐसे अवगुण हैं वह हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर ईर्ष्या, आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य है मानव है संसार में रहता है कहीं ना कहीं पर ये अवगुण आ ही जाते हैं। इसीलिए आवश्यक यही होता है कि हम अपने व्यवहार को बदले, जागरूक रहें, हर समय जागरूक और सचेत रहने की आवश्यकता होती है, न जाने कब कौन सा अवगुण हमारे ऊपर हावी हो जाए। कोई भी कार्य करें उस कार्य को करने से पहले अवश्य है आवश्यक होता है कि हम नाप तोल कर ही उन कार्यों को करें। तो हमारे कर्म कैसे हो वह कर्म ऐसे ही होने चाहिए जिनसे कि दूसरों को कोई परेशानी ना हो। जैसा कि कहा जाता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे कि दूसरों को कोई परेशानी ना हो, जैसा आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं ऐसा ही आप भी दूसरों के साथ करें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो भगवान कृष्ण ने कही उद्धव से कि हम कर्मों की ओर देखें। एक बात और उन्होंने जो कही जो कि वह दुखी होकर भगवान कृष्ण ने कही थी कि भाई ये देखें कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ है, हमारे पूर्वज क्या थे और हम क्या हो गए हैं। क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि जिस प्रकार से उन्हें श्राप मिला था और उस श्राप तक मिलने का कारण यही था कि यदुवंशी जो थे
वो अपने आप को भूल गए थे कि किस वंश में, जिस जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ हो, जहां पर कि भगवान को पूजा जाता हो और वहां पर ऐसी संतान पैदा हो जाए तो उसका पतन होना अनिवार्य हो जाता है। संतों का जहां सम्मान नहीं होता वहां पर फिर होगा ही क्या। इस बात से भगवान कृष्ण बहुत दुखी थे और यही बात उन्होंने उद्धव से इस प्रकार से कही कि हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि हमारा परिवार क्या है, हम किसकी संतान हैं, हम कहां से पैदा हुए, और उस मर्यादा को हमें बनाए रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, और आगे चलकर हम तो अपना जीवन ऐसा निर्वाह करना है कि लोग जाने कि ये किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, इनके पूर्वज क्या थे, ये बहुत आवश्यक होता है। तो ये छोटी बातें हैं लेकिन है बड़े गुण की। एक बात और भगवान कृष्ण ने कही कि देखिए जीवन में आलस्य जो होता है वह बहुत बड़े पतन का कारण बनता है, क्योंकि हम इतने दिनों से इस राज्य को भोग रहे हैं, हमने कैसे कैसे इस राज्य को संभाला, कितनी बार शिशुपाल से युद्ध किया, मथुरा से पलायन किया, यहां पर आकर रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वह कैसे प्रमादी हो गए हैं, आलस्य हो गए, आलस्यवान हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि उस परमात्मा को ही भूलते चले जा रहे हैं। तो आवश्यक हमारे सबके लिए जीवन में यही है कि हम उस आलस्य को छोड़े उठें, जो विवेकानंद जी ने कई बार उठो जागो और ध्येय को प्राप्त करो, हमारा उद्देश्य क्या है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए यही बात कही कि भाई इस प्रमाद को, इस आलस्य को छोड़ो। और गुरु महाराज साहब ने कहा जैसे सुबह और साय कहते सब समय ही नहीं है, सुबह और साय आधा आधा घंटा जब बिस्तर पर जाते हो तब याद कर लें, कहीं ना कहीं तो आप उन गुरु महाराज साहब को याद कर ही सकते हैं। 23 घंटे खूब काम करें, गुरु महाराज साहब को याद ही ना करें, लेकिन जब आधा घंटा सुबह और आधा घंटा साय उनके दरबार में बैठे, उनके समक्ष बैठे, उस संसार को भूल जाए। यही बात भगवान कृष्ण ने उद्धव से कही कि प्रमाद को छोड़िए, आलस्य को छोड़िए। हम उठ ही नहीं पाते, सुबह बैठ ही नहीं पाते, कोई काम ही नहीं है, तब भी बिजी है साहब, समय नहीं है साहब, बड़े बिजी है साहब। किस बात में बिजी है, केवल बिजी है तो किसमें, समय नहीं है तो किसमें, फोन के लिए, मोबाइल के लिए समय ही समय है, लेकिन उस परमात्मा के लिए समय का अभाव है, समय ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय निकालिए। और अंत में एक और बात जो उन्होंने पते की बताई और वह है संयम। वो कहते हैं कि संयम जो है, ये जो हमारा जो हाल हुआ है, हम इस परिस्थिति में आ गए हैं, ऐसा समय आ गया है वहां, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने वाक्य का संयम, जिव्या का संयम समाप्त ही कर दिया है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो वह ऋषि जो थे वह श्राप ही ना देते, क्योंकि हम वाचाल हो गए हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, क्या बात कब बोलनी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस रूप में है, पिता कौन है, बाबा कौन है, जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को ही समाप्त कर दिया है। कोई तो रिश्ते का तो जो बीच का जो एक दायरा होता है वही समाप्त हो गया है, और उसी का है नतीजा ये है कि यदुवंशियों को वह सब भोगना पड़ा। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं हम सब के लिए आवश्यक है कि जिव्या का संयम, बोलते समय नाप तोल पर बोले कि क्या कहना है, क्या नहीं है, दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। इसलिए परम पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे, जैसे कि लोग कहते थे आपके पास तो कोई वंशीकरण मंत्र है, तो मेरे पास कोई वंशीकरण मंत्र नहीं है, मैं किसी को वश में नहीं करता, बस करता यही हूं कि मीठा बोलता हूं सबसे और कड़वा सुन लेता हूं। मीठा बोलना, चाहे जो भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बराबर का हो, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करना। ये कुछ बातें उन्होंने बताई, लेकिन संयम को सर्वश्रेष्ठ कहा। एक बात याद आ रही है संयम के लिए कि एक बार जब ये महाभारत लिखा जा रहा था और वेद व्यास उन मंत्रों को बोलते थे,
और गणेश जी लिखने का काम करते थे। आप सभी को मालूम है कि उन्होंने बोला और गणेश जी ने उसे लिखा कि कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता था, इतना ज्ञानवान ही नहीं था कि इतने लंबे लंबे श्लोक कौन लिखेगा सोच समझ कर, बिना समझे लिखे नहीं जा सकते थे। गणेश जी का काम था उनको लिखना। जब लिपिबद्ध हो रहा था, जब अंतिम मंत्र वेद व्यास ने बोला लिख गया, तब उन्होंने ये कहा वेद व्यास ने गणेश जी से कि महाराज मैंने लाखों शब्द बोले लेकिन आपने लिखे जरूर, लेकिन कभी आपने एक शब्द नहीं बोला। आप लिखते ही रहे, कभी ये नहीं पूछा, कभी रुकने के लिए नहीं कहा, कभी ये नहीं बोला कि समझ में नहीं आ रहा, कभी आपने कोई ऐसा जो गलत लगा हो आपको शब्दों का भी आपने कभी इस्तेमाल नहीं, कब बोले ही नहीं, जैसा मैंने बोला वैसे ही लिखते चले गए। तब गणेश जी ने एक ही बात कही, महाराज व्यक्ति के लिए आवश्यक क्या है कि जैसे दीपक जो होता है किसी में कम तेल होता है किसी में ज्यादा तेल होता है, तो लंबे समय तक कोई दीपक नहीं जल सकता, इसीलिए आवश्यकता के अनुसार ही दीपक को जलाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति की जो आत्मा होती है, उस आत्मा के अंदर जो शुद्धि होती है वह किसी में कम किसी में ज्यादा और किसी में बहुत ज्यादा होती है। जो उसका संयम से इस्तेमाल करता है वह लंबे समय तक संयम ही बना रहता है। इसीलिए मैं संयम को महत्व देता हूँ, मैं नाप तोल कर बोलता हूँ, अच्छा लगे वही बोलता हूँ, अनावश्यक नहीं बोलता। और मुझे आवश्यकता ही नहीं हुई कि मैं आपकी किसी बात का विरोध करूं या जवाब दूं। और इसीलिए जीवन में जो ज्यादा बोलते हैं, ये गणेश जी का कहना है, जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें ये याद नहीं रहता मैंने क्या बोला, भूल जाते हैं, और अनावश्यक जो बातें होती है उनको भी बोलते रहते हैं। इसीलिए जरूरी क्या है जीवन में कि संयम, वाक्य का संयम है, तो सभी संयम आवश्यक होते हैं, लेकिन जो जिह्वा का जो संयम है यह अत्यंत आवश्यक है। यही अपने को पराया बना देती है और पराये को अपना बना देती है। ऐसे ही गुरु महाराज साहब के दरबार में हम बैठे हुए हैं, जो भगवान कृष्ण ने जो उद्धव को संदेश दिया वो हम सबके लिए संदेश है। उन्हीं गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है कि वह हमारे जीवन में भी सार्थक हो जाए, हम भी उसको अपने जीवन में उतार सकें और गुरु महाराज साहब का नाम लेवा बन जाए। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे विनती है कि आप हम सब पर दया करें। अब हम गुरु महाराज साहब द्वारा बताई वही साधना की क्रिया करेंगे जिससे के द्वारा कि हमारे अंदर भी ये गुण भर जाएं और हम भी उन जैसे ही हो जाएं। एक सरल आसन से बैठ जाएं, स्थिर सुखम आसनम, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उसमें लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाइयों को प्रार्थना याद है एक स्वर से कहें, जिन्हें याद नहीं तो प्रारंभ से ही ध्यान शुरू कर दें, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा और जब हमारे परम पूज्य का आदेश हो तभी आप ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। एक बार पुनः निवेदन किए देते हैं, जिन बहन जो बहन भाई पहली बार ही बैठे हैं उनसे खास तौर से निवेदन है, कोई मंत्र जाप इत्यादि यदि आप करते हो तो आगे पीछे कर सकते हैं, इस समय न करते, इस समय जैसा बताया जाए वैसा ही करें। एक सरल आसन से बैठ जाए जिसमें 25-30 मिनट तक हिलें डुलें नहीं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उसमें लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाइयों को प्रार्थना याद है एक स्वर से कहें, जिन्हें याद नहीं तो प्रारंभ से ही ध्यान शुरू कर दें, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा, जब यहाँ से परम पूज्य का निवेदन हो तभी आप ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें।